स्टार्ट करते हैं 11th केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो यहाँ से आपको केमिस्ट्री को जो पढ़ना है, तो केमिस्ट्री मेनली क्लासिफाई होती है तीन टाइप्स में। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल आपकी जो बुक है उसमें जो सिलेबस है 15-16 जो चैप्टर दिए हुए हैं वो इसी कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे स्टार्टिंग में आपको फिजिकल केमिस्ट्री दी हुई है, उसके बाद इनऑर्गेनिक है और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी हुई है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें आप पढ़ते क्या? देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप जैसे कोई भी मैटर है, सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो उसका आप बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, जैसे उसकी डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, उसका प्रेशर, उसकी स्टेट ऑफ मैटर को मेजर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप कहाँ पर स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। या फिर आप उसमें बॉन्डिंग देख रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर, किसका बॉन्ड एंगल कितना है, दो एटम के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आप यदि ये सब मेजर कर रहे हैं तो आप फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इसमें कोई भी एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के आप केमिकल स्टडी करते हैं। तो वो हो जाते हैं टोटल कितने एलिमेंट है, 118 टोटल एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट्स में यदि कार्बन को छोड़कर आप किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड के लिए स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप किसमें स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप की रिएक्शन देता है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि कार्बन एक अकेला जो है एलिमेंट, उसके इतने सारे कंपाउंड है कि वो खुद एक केमिस्ट्री को बना लेता है, उसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी एक अलग केमिस्ट्री है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी, जैसे कि प्लांट, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनका भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किससे, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसीलिए हम उसको किसमें स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड है इसके, इसलिए इसको अलग से स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट यहाँ से होता है मैटर से, केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है मैटर से। तो मैटर जो होती है वो तीन स्टेट में होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो इस तरह शिफ्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, और जब आप उसकी कूलिंग करते हैं तो वो गैस से लिक्विड में आएगा और लिक्विड से सॉलिड में आएगा। इसमें दो फैक्टर काम करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को यदि आप बढ़ाते हैं या कम करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो इसकी स्टेट चेंज होती है, ये पता है आपको। इसके बाद मैटर जो होती है दो फॉर्म में हो सकती है, या तो वो मिक्सचर के फॉर्म में हो सकती है, कोई भी मैटर या सब्सटेंस, या फिर वो प्योर फॉर्म में हो सकता है। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे किसी भी दो चीज को आपने मिला दिया, ठीक है, दो मैटर को, दो सब्सटेंस को, दो कंपाउंड को आपने मिला दिया, तो उसको आप मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन मिलने पर यदि वो होमोजीनियस हो जाता है, मतलब कि वो थ्रू आउट एक सा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि फर्स्ट कंपाउंड कहाँ है और सेकेंड कंपाउंड कहाँ है, तब आप उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे टी, उसमें आप कितने सारे कंपोनेंट डालते हैं, जैसे आपने शुगर डाला, जैसे आपने टी लीव्स डाली, वाटर डाला, मिल्क डाला, उसके बाद आप टी बन जाने के बाद आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्या कि इसमें शुगर कहाँ है, इसमें टी लीव्स कहाँ है, इसमें वाटर कहाँ है, मिल्क कहाँ है। तो ऐसे जिसमें हम उसकी बाउंड्रीज को, उसके कंपोनेंट की बाउंड्रीज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखिए जैसे आपने ग्राउंडनट लिया, मूंगफली ली और सॉल्ट लिया, कॉमन सॉल्ट, ग्राउंडनट और कॉमन सॉल्ट लिया, इसको आपने मिक्स किया, तो आपको समझ में आ रहा है कि ग्राउंडनट कहाँ है और सॉल्ट कहाँ है, आपको दिख रहा है। तो ये ऐसे मिक्सचर हो जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपने आयरन का नेल लिया, ठीक है, आयरन का नेल लिया और उसमें आपने कोल को मिक्स कर दिया, तो अभी आपके हाथ में आयरन नेल और कोल है, तो आपको अलग अलग समझ में आएगा कि आयरन नेल कहाँ है, कोल कहाँ है। तो ऐसा जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसके बाद प्योर मैटर क्या होते हैं, देखिए केमिस्ट्री में आप प्योर मैटर उसको बोलते हैं, सपोज जैसे कि यदि आपने लिया एजी, आपने यदि सिल्वर लिया, ठीक है, आपके पास एक सिल्वर का पीस है, तो उसमें सिल्वर का ही पीस होना चाहिए, उसमें सारे पार्टिकल किसके होने चाहिए, सिल्वर। उसमें यदि एक पार्टिकल, एक एटम भी यदि उसमें कॉपर का प्रेजेंट है, प्लेटिनियम का प्रेजेंट है, गोल्ड का प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आपकी कौन सी मैटर है, फिर इम्प्योर मैटर है, प्योर मैटर नहीं है।
तो ये दो तरह से क्लासिफाई होगी, एक होगा एलिमेंट और दूसरा होगा कंपाउंड। अब ये प्योर एलिमेंट, प्योर मैटर में एलिमेंट क्या होते हैं देखिए, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे कुछ जो होते हैं इनकी एलिमेंट्री स्टेट में मिलते हैं, मैटर का एलिमेंट्री फॉर्म। और दूसरे होते हैं कंपाउंड, जिनमें की टू टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, फिक्स एंड डिफाइनाइट रेशियो में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों दो हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तो क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, H2O बनता है। इसी को आप क्या बोलेंगे कि ये किसका, ये क्या, कौन सा कंपाउंड है, वाटर है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने 9th के लेक्चर में समझाया हुआ है कि यदि मैंने H2O2 लिख दिया तो ये H2O2 क्या नहीं होगा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये वाटर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपने इसको एक ऑक्सीजन ज्यादा दे दिया। तो बस यहीं से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है कि जो कंपाउंड होते हैं वो फिक्स एंड डिफाइनाइट रेशियो में, फिक्स एंड डिफाइनाइट रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इनके लिए 5 लॉ, जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। उसको पढ़ने से पहले हम क्या, हम पढ़ते हैं कि मैटर जो है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जब आप किसी भी एलिमेंट की उस प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं, जिसके मेजर करते समय कुछ भी उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। जैसे आप यदि वाटर पर स्टडी कर रहे हैं तो वो वाटर ही रहेगा, आप उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कुछ भी निकालेंगे तो वो वाटर ही रहेगा। CO2 पर स्टडी कर रहे हैं तो CO2 ही रहेगी थ्रू आउट, आप जब तक स्टडी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की, यदि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है तो वो किसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आप उसका मास मेजर कर रहे हैं, जैसे आप उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सब निकाल रहे हैं, तो वो किस में काउंट होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। उसके बीच का बॉन्ड एंगल निकाल रहे हैं, उसके अंदर देख रहे हैं कि ये किस टाइप से अरेंज है मॉलिक्यूल, उसका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जब आप मेजर करते हैं तो उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। जैसे कि आप लेबोरेटरी में देख रहे हैं कि कोल को बर्न करेंगे तो क्या होगा, मतलब कार्बन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा CO2। यदि H2+O2, आप देखेंगे कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करेगी तो क्या बनेगा, ये यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये एक नया कंपाउंड बना। इसमें देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट। तो ये वही है कि चेंज इन कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड चेंज इन कंपाउंड प्रॉपर्टीज आप किसमें मेजर करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आप मेजर करते हैं। एक और टाइप से हम इसको मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का हम एनालिसिस करते हैं केमिस्ट्री के स्टडी में, तो एनालिसिस दो टाइप का करते हैं हम किसी भी कंपाउंड का। देखिए पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम करते हैं इसकी स्टडी में, कंपाउंड की स्टडी में। तो पहला जो एनालिसिस होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है, देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ऐसा है कि जैसे मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं कि उनका जो आटा है वो मल्टी ग्रेन वाला है, ठीक है, तो वो एक क्वालिटी को बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि वो जो आटा है उसका, उनका उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे टाइप के ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो ऐसे ही जब आप किसी कंपाउंड की स्टडी करते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना कि इसमें क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। सपोज जैसे कोई आपको एक नया कंपाउंड मिलता है, ठीक है, तो उस नए कंपाउंड में आपको देखना है कि ये जो कंपाउंड बना है इसके कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो आपका होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अब रामदेव बाबा ने बोले कि ठीक है ऐसा मल्टीग्रेन प्रेजेंट है, लेकिन वो कितने मल्टीग्रेन जो है उसमें यदि 5 टाइप के ग्रेन प्रेजेंट है तो कौन सा वाला ग्रेन कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है,
ठीक है, आपने यदि एक कंपाउंड में ये फाइंड आउट कर लिया कि इसमें थ्री टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे कि CaCO3, इसमें आपने देखा कि एक कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। आपने क्या देखा, कितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें, थ्री टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्या देखेंगे कि इसमें कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है और कार्बन कितना प्रेजेंट है, ये आप जिसमें देखते हैं तो वो एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव। तब आप क्वांटिटी को मेजर करते हैं और इसमें आप क्वालिटी को मेजर करते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, एक कैल्शियम प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप कैसे, जिसके बेस पर करते हैं, उसमें आपको जरूरत होती है मास की, लेंथ की, ठीक है, और वॉल्यूम की, डेंसिटी की, इन सब चीजों की आपको जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज है इसके लिए आपको बताया हुआ है कुछ यूनिट्स की, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनकी यूनिट्स क्या होती है, SI यूनिट्स क्या होती है। देखिए, जैसे कि आपको मास को मेजर करना है तो मास को आप किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब ऐसा हो सकता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि हर जगह की यूनिट्स अलग अलग थी, इस कंट्री की यूनिट कुछ और, दूसरी कंट्री की कुछ और यूनिट, और किसी कंट्री की कुछ और यूनिट। तो जब मीटिंग होती थी तो वहां पर कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए क्या बनाया हुआ है, एक SI यूनिट को बनाया हुआ है। ये SI यूनिट जो है ये इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच में इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, ये इसका SI यूनिट का फुल फॉर्म है। तो कुछ जो क्वांटिटीज है, 7 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, कितनी, 7 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिनके की आपको लर्न करने हैं यूनिट्स, SI यूनिट्स क्या होते हैं। देखिए, दो सिस्टम थे जिसके बेस पर हम ये जो क्वांटिटीज है ना इनको मेजर करते थे। तो वो जो सिस्टम थे इसको हम बोलते थे, एक को इंग्लिश सिस्टम और दूसरे को बोलते थे मैट्रिक सिस्टम। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में यूनिवर्सल कर दिया गया, किसको, जो मीट्रिक सिस्टम होता है उसको यूनिवर्सल कर दिया गया। तो उस मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि यदि मैंने लेंथ लिखा तो लेंथ में मैंने बताया कि 6 मीटर, तो मीट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि एक तो इसका नंबर होता है, फर्स्ट वाला इसका नंबर होता है और दूसरा इसकी, ये इसका नंबर होता है और दूसरा इसकी यूनिट होती है। तो ये क्या होता है, मीट्रिक सिस्टम होता है। अब जो 7 हमारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको हम लेते हैं और उनकी SI यूनिट देखते हैं क्या होती है। तो पहली तो होती है मास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वांटिटीज, सिंबल फॉर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में फर्स्ट जो हमारी क्वांटिटीज है वो है मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सेवेंथ है इलेक्ट्रिक करेंट। मास के लिए जो सिंबल है वो है एम, इसकी ये जो यूनिट होती है मास की वो होती है किलोग्राम, और इसके लिए जो सिंबल है वो है केजी। इसके बाद नेक्स्ट है लेंथ, लेंथ के लिए इसका सिंबल है क्वांटिटी का सिंबल। देखिए यहां पर मैं जो लिख रही हूँ वो क्वांटिटीज के सिंबल है, मतलब कि आपको यदि लेंथ लिखना है तो आप शॉर्ट में जैसे मैथ्स में लिखते हैं ना, गिवन एल इज इक्वल्स टू 10 मीटर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर पूरा जैसे आप 1000 के साइड में लिख देते ना केजी, पूरा नहीं लिखते किलोग्राम, तो वैसे ये सिंबल है यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी यूनिट दी हुई है। लेंथ जो है लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर में, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम जो है टाइम को आप टी से शो करते हैं, टाइम को स्मॉल टी लिखते हैं, और इसकी यूनिट जो है SI यूनिट वो सेकेंड है, सेकेंड इसको आप SEC लिखते हैं सिंबल में। और टेम्परेचर जो है इसको कैपिटल टी से, इसकी SI यूनिट जो है वो है कैलोरी, इसको K लिखते हैं। इसके बाद ल्यूमिनस को रिप्रेजेंट करते हैं I न्यू से, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला,
सी डी, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मोल होती है। और मोल यहाँ पर इसका सिंबल होता है एम ओ एल। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको आप आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल आई होता है, और इसको एम्पियर में इसको मेजर करते हैं, और इसका जो सिंबल है वो ए होता है। तो ये 7 हमारी क्वांटिटीज थी। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो लिया मैंने वो एन में लिया, क्यों? क्योंकि स्टडी आप किसी भी केमिकल की करते हैं लैब में तो आप 1 kg 2 kg पर नहीं करते हैं, आप बहुत स्मॉल अमाउंट में करते हैं, और ये स्मॉल यूनिट है इसकी सब्सटेंस की, इसीलिए इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल में लेते हैं इसको। ये 7 क्वांटिटीज ही आपको काम आएंगी, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ और ऐसा ही प्रीफिक्स देखते हैं कि जैसे 10^-3 होता है तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, 10^-6 है इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटीज ली जाती है, इसलिए इन वैल्यूज की हमको जरूरत पड़ती है। तो इनके हम प्रीफिक्स देखते हैं कि इनके प्रीफिक्स क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉल भी हो सकती है और बहुत ही लार्ज भी हो सकती है, तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या होंगे, अब हम प्रीफिक्स देखते हैं। यदि यहाँ पर सिर्फ 10 लिखा हुआ है तब तो आप उसको बोलेंगे डेका। देखिए यहाँ पर ये कुछ मल्टीप्लायर्स है, यहाँ पर हम उनके प्रीफिक्स लिखेंगे और यहाँ पर उनके सिंबल लिखेंगे। तो 10 होता है डेका, 10^-1 यदि -1 है तब आप इसको लिखेंगे डेका डेसी। 10^-2 को आप लिखते हैं सेंटी, 10^-3 को हम लिखेंगे मिली, 10^-6 को हम लिखेंगे माइक्रो, 10^-9 को हम लिखेंगे नैनो, और 10^-12 को हम लिखते हैं पाइको। इसके बाद 10^-2 को आप लिखेंगे हेक्टो, 10^-3 को लिखते हैं किलो, 10^-6 को लिखते हैं मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, और 15 को लिखते हैं पेंटा। 10^12 पीको जो है इनके सिंबल में हम इसको क्या लिखेंगे पी, नैनो को लिखते हैं एन, माइक्रो को लिखते हैं ऐसा म्यू सिंबल बनाते हैं, मिली के लिए आप लिखते हैं एम, सेंटी के लिए लिखेंगे सी, डेसी के लिए आप लिखेंगे स्मॉल डी, डेका के लिए लिखेंगे डी ए सिंबल होता है, हेक्टो के लिए स्मॉल एच होता है, एच स्मॉल एच इसका सिंबल होता है, किलो के लिए के, मेगा के लिए कैपिटल एम, गीगा के लिए कैपिटल जी, टेरा के लिए टी, टेरा के लिए टी, और पेंटा के लिए होता है पी। देखिए यहाँ पर ये वाला पी कैपिटल होता है और ये वाला पी यहाँ पर स्मॉल होता है। तो ये हो गए हमारे कुछ मल्टीप्लायर्स हो गए जो आपको क्वांटिटीज को मेजर करने में काम आएंगे। अब इसके बाद जो हमने क्वांटिटीज देखी थी ना, 7 क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स देखी थी, जैसे मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, तो वो क्या होती है उसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। देखिए मास सबसे पहला है, मास एंड वेट दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जब हम धरती पर होते हैं तो हमको वेट कम फील होता है, जब हम मून पर जाते हैं तो हमको वेट ज्यादा फील होता है। हम ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पर मास कम है और वहां पर मास ज्यादा, ऐसा नहीं। हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमको वेट ज्यादा, धरती पर हमको ज्यादा वेट फील होता है, जबकि हम मार्स पर जाते हैं या मून पर हम जाते हैं तो हमको वेट कम फील होता है। तो ये कैसे होता है, देखिए मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस और कंपाउंड सब्सटेंस। लेकिन जो वेट है वो क्या है, देखिए वेट जो होता है ना ये एक टाइप का फोर्स है। जैसे कि यदि मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई मैटर है, एक इतना बड़ा मैटर है, एक स्टोन है, स्टोन है, इसका मास जो है, मास कितना है इसका, मास हमने निकाला मेजर किया तो इसका मास कितना है 10 kg, ठीक है। लेकिन इसका वेट जो है, वेट यदि आपको इसका निकालना है तो वेट इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, मीन्स मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो 10 kg का जो मैटर रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है,
उसको जब आप उठाएंगे तो उठाने पर जो आपको फील होता है वही तो वेट है। तो जब आप उस मैटर को उठाएंगे तो उठाने पर क्या काम करती है, मास के साथ, मास तो 10 kg लेकिन उसके साथ क्या काम कर रहा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है ना उस ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचता है। तो यदि आप इस स्टोन को यहां से उठा रहे हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ऐसे खींचेगा, तो एक फोर्स लगा रहा है वो। तो जब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तभी आपका क्या निकलता है, वेट निकलता है। तो ये जो धरती होती है, धरती पर कितना होता है इसका वैल्यू, 9.8। अर्थ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की 9.8 है। तो जब आप मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या निकल के आता है, वेट निकल के आता है। और यहां से ज्यादा मून पर कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मून पर होता है 3.5, मतलब यहाँ का 1/6 वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए वहां पर हमको चीजें जो है लाइट वेट फील होती है। ठीक है, तो वेट की डेफिनेशन होती है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय पुल ऑफ ग्रेविटी। तो मास को तो हम किसमें मेजर करते हैं, मैंने आपको बता दिया मास को हम किसमें, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मास की एसआई यूनिट होती है इसकी किलोग्राम होती है। ठीक है, अब इसके बाद वेट की जो यूनिट हो, तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारी क्वांटिटीज थी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोई भी मैटर है, ठीक है, वो मैटर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। वॉल्यूम ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है, गैस के लिए यूज किया जाता है। तो वॉल्यूम जो होता है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, अब इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट है। इसका कन्वर्जन हम देखते हैं, इन दोनों के हम कन्वर्जन देखते हैं कि इनको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो मास को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए यदि मैंने यहाँ पर लिखा 1 kg, तो 1 kg जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 10^3 ग्राम के। और 10^3 जो है वो किसके इक्वल होगा, 10^6 मिलीग्राम के। और 10^6 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा, 10^9 माइक्रोग्राम के। अब यदि आपने 1 ग्राम लिया है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू होगा 10^3 मिलीग्राम, और माइक्रोग्राम में कितना हो जाएगा, 10^6 माइक्रोग्राम हो जाएगा। फिर आप यदि 1 मिलीग्राम को लेंगे तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होगा, 10^3 माइक्रोग्राम के इक्वल होगा। ये इसके कन्वर्जन थे। वैसे ही वॉल्यूम में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 dm³, और 1 cm³ इज इक्वल्स टू होता है 1 ml। 1 ml इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 cm³, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 dm³। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 ml, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, 1000 cm³, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 dm³ के इक्वल हो जाएगा। यदि मैंने 1000 dm³ लिखा तो ये किसके इक्वल होगा, 1000 लीटर के इक्वल होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी को देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इस इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी। देखिए डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि वॉल्यूम, देखिए ये इसके इनवर्स में है, तो यदि मैंने एक बॉक्स लिया
बड़ा सा, ठीक है, और मैंने एक छोटा स्टोन लिया, इतना बड़ा लिया एक स्टोन। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से ये मैंने स्टोन लिया और ये मैंने एम्पटी एक बॉक्स लिया, अब मैं आपसे पूछूंगी किसका वेट, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों इसकी डेंसिटी ज्यादा है? क्योंकि ये कम वॉल्यूम है, इसका मास ज्यादा है, और इसका वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन इसका मास कम है, तो जिस किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जिसका मास क्या हो, हाई, और उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम, और मास ज्यादा होना चाहिए। मीन्स छोटे से स्पेस में जितना ज्यादा अमाउंट आ सकता है उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वैसे भी इसको क्या होना चाहिए, कम। आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मास की जो यूनिट होती है, यदि हमें डेंसिटी की यूनिट निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मास को हम किसमें मेजर करते हैं? मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा, वॉल्यूम को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में हम इसको मेजर करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डेंसिटी की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर माइनस 3, ये इसकी यूनिट होगी। लेकिन ये इतनी लार्ज यूनिट है, किलोग्राम बहुत लार्ज यूनिट है, और अभी मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा सब्सटेंस लेकर कोई एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं जाता है, तब केमिस्ट किसको यूज करते हैं, इससे छोटे स्मॉल यूनिट को यूज करते हैं। तो किलोग्राम की जगह यदि आप यहाँ पर क्या ले लें, एम की जगह यदि आप क्या लेंगे, ग्राम, और यदि आप तो वॉल्यूम को, यदि इसको ग्राम में लिया है तो वॉल्यूम को आप किस में लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, मीटर क्यूब था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसकी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी, और यहाँ पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी डेंसिटी की। इसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, इसकी इसको थ्री टाइप से मेजर किया जाता है, एक तो डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में, और एक फ़ारेनहाइट में इसको मेजर किया जाता है। ये तो आपने सुना होगा थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट, और ऐसे ही किसी का भी टेम्परेचर हम जनरली डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि आज इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। केल्विन ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर की, केल्विन जो है वो क्या है, SI यूनिट है टेम्परेचर की। अब इनका कन्वर्जन, टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है, मैं बस इनका कन्वर्जन बता रही हूँ कि डिग्री सेल्सियस में है उससे यदि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को तो आप कैसे करेंगे, और यदि डिग्री सेल्सियस है उससे आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो कैसे करेंगे, एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो किसमें है, सेल्सियस में, कितना 10 डिग्री सेल्सियस, इसको यदि आपको केल्विन में ले जाना तो केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो K इज इक्वल्स टू 273.16 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो भी आपका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसको आप इससे प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केल्विन में। यदि यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इज इक्वल्स टू हो जाएगा 273.16, मींस इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 273 से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, और फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट का जो स्केल रिप्रेजेंट होता है वो 32 डिग्री से 212 डिग्री तक ये चलता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है, रिप्रेजेंटेशन जो स्केल होता है, तो आप कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि आपके पास डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो वो आपका जो टेम्परेचर था वो डिग्री सेल्सियस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास केल्विन में दिया हुआ है टेम्परेचर, जैसे 100K दिया हुआ है आपको, या फिर ये तो बहुत स्मॉल टेम्परेचर हो गया, या फिर आपको दिया हुआ है 373K दिया हुआ है आपको। अब इसको इसको यदि किसी ने कहा कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, फिर आप कैसे करेंगे, यहाँ तो डिग्री सेल्सियस है इस फॉर्मूले में, फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले में, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इस केल्विन को किस में ले आना है, यहाँ पर आप इस केल्विन की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला लगाइए, इसमें है ना डिग्री सेल्सियस,
और आपके पास केल्विन में वैल्यू है, ये फॉर्मूला लगाइए तो आपके पास डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप उस डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को यहाँ पर पुट करिए, तो ये किसमें कैलकुलेशन हो जाएगा, फारेनहाइट में कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसके बाद ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, हम पार्ट टू में पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, पार्ट वन में हम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक्स को पढ़ा, अब पार्ट टू में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।